हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं XUV 200 के बारे में। तो नाम थोड़ा जाना पहचाना सा लगेगा, जिस तरह से महिंद्रा ने अपनी ऑटो एक्सपो में कोई भी कार अपनी शोकेस नहीं की थी, पर लेकिन वहीं पे महिंद्रा हमेशा धमाकेदार ही कार लेकर आता है। तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार होने वाली है, जो कि महिंद्रा की तरफ से कुछ ही टाइम में लॉन्च होने वाली है। तो महिंद्रा XUV 200 को जल्द ही इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। तो गाड़ी का जो नाम है वो और भी कुछ हो सकता है, पर लेकिन XUV 200 सिर्फ एक से उड़ने की तरह दे रखा है। डिज़ाइन है लोग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाले हैं, और ये गाड़ी एक माइक्रो XUV की सेगमेंट में रहने वाली है, और ये कंपटीशन देगी टाटा पंच के सेगमेंट को। और इस गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव रहने वाला है, और इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा आपको डिसेंट फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इंडियन रोड्स पर इसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट किया जा चुका है टेस्टिंग के दौरान। तो मेनली गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो गाड़ी के अंदर आपको तो कार के अंदर 1.2 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाता है। जी हाँ गाइज, महिंद्रा भी अपने हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के ऊपर काम कर रही है, जो कि हमें सबसे पहली बार XUV 200 के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंस बना देता है। और इस गाड़ी का जो माइलेज रहने वाला है वो लगभग 20 से लेकर 22 किलोमीटर तक रहने वाला है। बात करें इंजन पावर के बारे में, तो ये लगभग 82 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा, और 138 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करने में ये कैपेबल होगा। और इस इंजन के फ्यूल एफिशिएंट के होने के साथ साथ हमें इसमें काफ़ी अच्छा पावर भी देखने के लिए मिल जाता है, और कहीं ना कहीं ये इंजन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो गाइज, मेनली बात कर लेते हैं कार के डिज़ाइन के बारे में। तो इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने वाला है XUV 300 से। फ्रंट में आपको 300 जैसे ही ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, और साथ में आपको बीच में महिंद्रा का नया वाला लोगो भी देखने के लिए मिल जाता है। हेडलैम्प क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, और फॉग ब्लैंक भी देखने के लिए मिल जाता है, और एयर डैम्स का भी काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया जाएगा। और सबसे मेन चीज़ है गाड़ी का डिपार्चर एंगल, और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, जिसकी वजह से इंडियन रोड्स पे इसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोनों ही तरफ आपको गाड़ी में LED हेडलैम्प सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, और DRL की प्लेसिंग भी आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेगी। तो बात करें गाड़ी के साइड लुक्स के बारे में, तो गाड़ी के अंदर आपको लगभग 16-17 इंचेस के अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे, और साइड में ORVM आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्ट और ऑटो ऑन ऑफ देखने के लिए मिल जाते हैं, और गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने के लिए मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा फीचर्स से अपलोडेड होने वाली है। गाड़ी के अंदर आपको लगभग 8 इंचेस की टच स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने के लिए आपको मिल जाता है, साथ में आपको सभी तरीके के क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। पर लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS का फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और मेनली गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ भी एक्सपेक्टेड है कि देखने के लिए मिल सकती है। और ओवरऑल जितनी भी गाड़ी के अंदर आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो सभी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, और कम्फर्ट के मामले में ये गाड़ी कहीं भी पीछे नहीं रहने वाली, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इसकी गाड़ी की अच्छी रहने वाली है। तो सेफ्टी के बारे में बात करूँ, तो महिंद्रा की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट मानी जाती हैं, और इस कार को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, तो ये लगभग 7 लाख से स्टार्टिंग और 10 लाख एक्स शोरूम तक जा सकती है। तो बात कर लेते हैं गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये गाड़ी लगभग लॉन्च हो सकती है 2024 के स्टार्टिंग में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप ये XUV 200 का वेट कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।